खेसारी की पत्नी चंदा यादव वैशाली में हुए खेसारी पे हमले को लेकर काफी चिंतित है। बताया जा रहा है कि खेसारी के हर एक काम पर उनकी पैनी नजर है। खेसारी को वो दिन में जहां पहले एक या दो बार फोन कर लिया करती थी, वहीं अब खेसारी के बच्चे और पत्नी दोनों तकरीबन 8 से 10 बार फोन करते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी खेसारी पे कई दफा हमले हो चुके हैं, कई दफा जान से मारने की धमकी मिल चुकी है, लेकिन तब इस बात को इतनी सीरियसली नहीं लिया गया और आज ये आलम है कि जब से खेसारी पर वैशाली में हमला हुआ है, खेसारी के परिवार वाले खेसारी को लेकर कुछ ज्यादा ही चिंतित हो गए हैं। बताया जा रहा है कि उनके माता पिता लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि उनके बेटे के लिए दुआ कीजिए और उनके बेटे का साथ दीजिए। साथ ही चंदा यादव ने भले ही कुछ न कहा हो, लेकिन बताया जा रहा है कि खेसारी के लिए मन्नतें और दुआओं का सिलसिला जो शुरू हुआ है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। खेसारी अगर बाहर भी जाते हैं तो उनकी पत्नी लगातार उनके कांटेक्ट में रहती है ताकि खेसारी से जुड़ी हर गतिविधियों का पता उन्हें चल सके। वैसे ये चीज चंदा यादव की वाजिब भी है। अगर किसी के भी पति को इस तरह की दुर्घटना या हमले का सामना करना पड़े तो पत्नी का व्यथित होना या पत्नी का चिंतित होना लाजमी बनता है। दिवाली और छठ पूजा के मौके पर ज्यादातर खेसारी का परिवार बिहार में ही रहता है, लेकिन इस बार ये प्रोग्राम बिहार में न होकर मुंबई में ही होगा। उनका पूरा परिवार इस बार मुंबई में ही रहेगा। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।